मोदी सरकार की मेहरबानी रही तो बिहार की 3 सड़कों की तकदीर बदल जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए सैद्धांतिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है, पर आधिकारिक रूप से इसे मंजूरी मिलना बाकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के बरौनी मुजफ्फरपुर, मोकामा मुंगेर और खगड़िया पूर्णिया रोड की। बिहार की ये 3 महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिसे 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। इन तीनों सड़कों की लंबाई 337 किलोमीटर है। बता दें कि कागजी प्रक्रिया के बाद जल्द ही इसके लिए कंसल्टेंट बहाल किए जाएंगे और उसके बाद DPR तैयार किया जाएगा। नीतीश सरकार ने केंद्र से इन सड़कों को 4 लेन करने की मांग की थी। बताया गया था कि बरौनी से मुजफ्फरपुर के बीच अभी 2 लेन सड़क है, जबकि इसके आगे पीछे जो भी सड़कें हैं वो 4 लेन हैं। ऐसे में लोगों को काफी मुश्किल होती है। इसी तरह पटना से मोकामा तक 4 लेन है, मुंगेर से भागलपुर तक भी 4 लेन है, लेकिन वहीं मोकामा से मुंगेर के बीच जो रोड है वो 2 लेन है। उधर खगड़िया के पहले 4 लेन है, पूर्णिया के आगे भी 4 लेन बना है, लेकिन खगड़िया से पूर्णिया के बीच जो सड़क है वो अभी तक 2 लेन ही है। राज्य सरकार ने इन तमाम बातों की जानकारी देश की मोदी सरकार को दे दी है, जिसे केंद्र ने भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य और केंद्र के अधिकारियों की बैठक भी होने वाली है, जिसमें इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से सहमति मिलने की उम्मीद है।